हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं प्रोजेक्ट स्लॉथ की तरफ से आने वाली पीएस इन्वेंट्री। ये आज ही रिलीज हुई है एंड ये है एक रीडिजाइंड एंड रीब्रांडेड वर्जन ऑफ एलजे इन्वेंट्री विद डीके सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सो आपको आ जाना है अपने ब्राउजर पे एंड आपको ये लिंक ओपन कर लेना है एंड सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है रिलीजेस पे एंड इसको यहीं से आपको डाउनलोड करना चाहिए। सो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है सोर्स पे एंड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आ जाना है एंड जब भी डाउनलोड हो रहा है आपको अपने क्यूबी कोड सर्वर में आना है एंड अपनी जो पुरानी इन्वेंट्री है जो क्यूबी इन्वेंट्री है वो आपको डिलीट करनी है। बट डिलीट करने से पहले याद रखना कि आपने जो भी इन्वेंट्री इमेजेस ऐड करी थी बाद में वो सारी आप पहले सेव कर लो एंड इसके अलावा आपने जो इसके मेटा डेटा में चेंजेस किए थे जो हमारी जेएस फाइल के अंदर होता है वो भी आप पहले ही सेव कर लो बिकॉज आपको इसके अंदर जाके वो सब दोबारा करना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया तो हम अब आगे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्यूबी में एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये रही हमारी क्यूबी इन्वेंट्री एंड मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया एंड इसके बाद मैं पीएस इन्वेंट्री को यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा कुछ ऐसे एंड इसको रीनेम कर दूंगा कुछ ऐसे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है वीएस कोड। अब वीएस कोड में आपको फोल्डर ओपन करना है अगर आपको पता हो। सो फोल्डर ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे वीएस कोड में एंड यहाँ पे आपको फाइल में आना है एंड फाइल में आने के बाद आपको क्लिक करना है ओपन फोल्डर एंड ओपन फोल्डर के बाद आपको क्यूबी सिलेक्ट कर लेना है जिससे यहाँ पे जो भी फोल्डर्स है क्यूबी के अंदर वो सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे एंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सर्च में एंड सर्च में आने के बाद मैं आपको पहले समझा दूँ हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी क्यूबी इन्वेंट्री अकर कर रही थी, जहाँ भी उसे ट्रिगर्स अकर कर रहे थे, हम उसको रिप्लेस करने वाले हैं पीएस इन्वेंट्री से। अगर आपको ये नहीं करना तो यहाँ पे आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि पीएस इन्वेंट्री के अंदर जहाँ जहाँ पीएस इन्वेंट्री अकर कर रहे हो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो हमारे क्यूबी इन्वेंट्री से एंड उसका जो फोल्डर नेम है वो भी आप रिप्लेस कर सकते हो क्यूबी इन्वेंट्री से। बट मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड ही यूज़ करने वाला हूँ कि जहाँ पे हमारा क्यूबी इन्वेंट्री है मैं उसको पीएस इन्वेंट्री कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ क्यूबी इन्वेंट्री एंड यहाँ पे जब मैं सर्च कर रही पूरे कोड के अंदर स्कैन करेगा कि कहाँ कहाँ ये अकर कर रहा है एंड वहाँ वहाँ ये हमारा रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे जब मैंने क्यूबी इन्वेंट्री सर्च किया तो यहाँ पे अब मैं रिप्लेस करूँगा इसको विद पीएस इन्वेंट्री कुछ ऐसे एंड इसके बाद आपको बस ये बटन प्रेस करना है एंड आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली सब रिप्लेस कर देगा। सो यहाँ पे हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है इसके साथ एक डीके सिस्टम एंड ये आपके आपकी मर्जी है कि आपको इसको यूज़ करना है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे आइटम्स पे डीके नहीं लगाना, आपको जिस आइटम पे डीके लगाना है आप उस पे लगा सकते हो एंड बाकी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। एंड डीके यूज़ करने के लिए आपको बस यहाँ पे एंड में कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो कि होगी ये डीके एंड डिलीट कुछ ऐसे। सो अब हम वो भी कर लेते हैं एंड डीके सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने रिसोर्सेज में एंड रिसोर्सेज में आने के बाद आपको आना है क्यूबी कोर में। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्यूबी कोर में एंड इसके बाद हमें आना है शेयर्ड में एंड शेयर्ड में आने के बाद आपको आना है आइटम्स डॉट लुआ पे। आइटम्स में आने के बाद अब आपको किस आइटम पर डीके लगाना है ये आपकी मर्जी है। सो यहाँ पर मैं रैंडमली किसी भी एक आइटम पर डीके लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वाटर अंडरस्कोर बॉटल। सो यहाँ पर मेरे को दिख गया यहाँ पे वाटर बॉटल कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे आगे आने के बाद कुछ यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इससे पहले मैं एक कॉमा ऐड करूँगा एंड यहाँ पे अब मैं ये सब पेस्ट करूँ जो यहाँ पे हमें दिया गया है। सो मैं इसको करता हूँ कुछ यहाँ से कॉपी एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डीके, अब ये डीके कितने दिन रहेगा, कितने दिन में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज अपनी इन्वेंट्री में एक वाटर बॉटल ऐड करी है एंड मैं कह रहा हूँ कि इसको एक दिन बाद ख़राब हो जाना है। सो अगर मैं इसको कल यूज़ करूँगा तो यहाँ पे ये यूज़ेबल नहीं होगी एंड जैसे ही मैं इसको यूज़ करने जाऊँगा ये मेरी इन्वेंट्री से डिलीट हो जाएगी। सो पहला है डीके एंड अगर मैं उसको डिकेड आइटम को यूज़ करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। सो इस कोड का ये मीनिंग है। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया एंड मैं डीके को वन डे करके दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ इसकी डेट मॉडिफाई करके। सो यहाँ पे मैंने इसको वन डे कर दिया है एंड बाकी ऐसे का ऐसा आप छोड़ सकते हो। सो हमने इतना कर लिया, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब हम चलते हैं हमारे सर्वर में एंड आपको मैं ये चीज़ टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे करने वाला है। सो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना सर्वर को स्टार्ट करता हूँ एंड मैं आपको मिलता हूँ अपने सर्वर के अंदर जाके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर के
अंदर है। अगर आपको मैं सबसे पहले इन्वेंट्री ओपन करके दिखाऊं टैब से, सो अब हमें ये कुछ ऐसी दिखती है, जो हमारे जो फर्स्ट 5 बटन्स हैं वो लेफ्ट में आ चुके हैं, बाकी हमारी इन्वेंट्री कुछ ऐसी दिखती है। एंड राइट साइड में ड्रॉप इन्वेंट्री, जो हमारी ग्राउंड हो सकता है या फिर हमारी कोई और इन्वेंट्री हो सकती है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन मिलता है, एंड आप इसको ड्रैग करके कुछ यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसकी क्वांटिटी वगैरह दिखा देगा कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में ये आइटम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अब हम चेक करते हैं इसका डीके सिस्टम। अब डीके सिस्टम यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक स्पॉन करूँगा अपने लिए एक वाटर बॉटल। तो उसके लिए मैं करता हूँ गिव आइटम आईडी 1 वाटर बॉटल अमाउंट 1। सो एक वाटर बॉटल मेरे पास आ चुकी है कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे आप जो इसकी क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप इसका मेटा डेटा देखो तो पहले आता है वेट, फिर आता है अमाउंट, एंड उसके बाद आती है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी है इसकी 99, बिकॉज इसके अंदर डीके सिस्टम अभी मैंने इनेबल कर रखा है। वेर एस अगर आप इन आइटम्स की देखोगे क्वालिटी तो ये 100 रहेगा, बिकॉज इनके अंदर हमने डीके सिस्टम ऐड नहीं किया है। सो यहाँ पे अब मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं आपको इसको एक बारी एक दिन बाद दिखाता हूँ कि ये मेरे को कैसा दिखेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार क्विट कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सो अब मैं चलता हूँ अपने हेडी एसक्यूएल में, एंड हेडी एसक्यूएल में आने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे प्लेयर्स पे। सो ये आ गया मेरा प्लेयर, एंड प्लेयर में आने के बाद ये आ गई मेरी इन्वेंट्री। सो यहाँ पे हमारा सारा इन्वेंट्री का डेटा सेव रहता है। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं कुछ यहाँ से। एंड यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे कुछ यहाँ पे, ये आ गया हमारा वाटर बॉटल का इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई हम करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटेड, आपको यहाँ पे क्वालिटी में कुछ भी चेंज नहीं करना, बिकॉज ये ऑटोमेटिक होएगा। जो हमें चेंज करना है वो है यहाँ पे क्रिएटेड में। तो अब मैं जो क्रिएटेड है, फॉर एग्जांपल आज है 24 तारीख, तो मैं इसको चेंज करके कर दूंगा इसकी क्रिएटेड डेट 23। अब वो कैसे होएगा, क्योंकि ये जो टाइम स्टैम्प है ये आता है यूनिक्स में, तो हमें इसकी वेबसाइट से इसको चेंज करना पड़ेगा। इसकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो मैं यहाँ से आपको एक बारी करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैं उस टाइम स्टैम्प को पेस्ट करता हूँ, सो यहाँ पे दिखा देगा कि कब क्रिएट हुआ है। सो अब मैं एक रैंडम टाइम स्टैम्प यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ नीचे से ही। तो यहाँ पे 24 तारीख है, तो इसको मैं कर देता हूँ 23। एंड जैसे मैंने इसको 23 किया, ये कन्वर्ट कर देगा एंड मेरे लिए एक टाइम स्टैम्प जनरेट कर देगा। एंड मैं अब इसी टाइम स्टैम्प को कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे अपनी जो इन्वेंट्री है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे हम इस टिक पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे डॉट, और उसके बाद एक बार रिफ्रेश आप कर सकते हो। एंड जैसे ये कर दिया, आपने जो है टाइम स्टैम्प अपना चेंज कर लिया है। अब हम वापस चलते हैं हमारे सर्वर में, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आइटम मेरे को कैसी दिखेगी। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस अपने सर्वर में, एंड अब हम एक बार वाटर बॉटल की क्वालिटी चेक करते हैं। मेरे हिसाब से इसको 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक दिन बाद का मैंने टाइम स्टैम्प चेंज किया है। सो यहाँ पे अब एक बार इन्वेंट्री ओपन करता हूं, एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी है वो इसकी 0 हो चुकी है, एंड ये रेड हो चुकी है। एंड जैसे ही मैं इसको यूज़ पे लेके जाऊँगा, वैसे तो इसको यूज़ होना है नहीं, बट अगर मैं इसको यूज़ पे लेके भी गया, सो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी आइटम मेरी इन्वेंट्री से। सो ये है दोस्तों हमारी नई पीएस इन्वेंट्री। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज ये आज ही रिलीज़ हुई है, एंड मैं आपके लिए आज के आज ये वीडियो लेके आया हूँ। सो उसके लिए एक लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड आने वाली वीडियोज़ में ऐसी मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ आपके लिए, एंड मेरा एक खुद का सर्वर भी आने वाला है कुछ ही टाइम में। सो उसमें भी आप ज़रूर आना, एंड उसके सारे अपडेट्स के लिए आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5MRP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।